रेवाड़ी के बावल में कर्मचारी महासंघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के आवास पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कर्मचारी महासंघ ने डॉक्टर बनवारी लाल को मांग पत्र सौंपा। राज्य मंत्री श्री बनवारी लाल जी के आवास पर आए हैं और उनसे गुहार लगाते हैं कि हरियाणा कर्मचारी महासंघ का 5 सूत्रीय मांग पत्र है, जिसमें प्रमुखता से पुरानी पेंशन को प्रदेश के तमाम कर्मचारियों के लिए लागू किया जाए। इसके साथ साथ हरियाणा कौशल रोजगार निगम, जो इस प्रदेश सरकार ने बनाया है, इसको तुरंत प्रभाव से बंद करें और प्रदेश के तमाम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए पॉलिसी बनाएं और अपने प्रदेश के तमाम कर्मचारियों से किए हुए वादे को पूरा करने का काम। सिरसा में मिड डे मील वर्कर्स यूनियन ने लघु सचिवालय में अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। वर्कर्स का कहना है कि सरकार की तरफ से उन्हें लाभ नहीं दिया गया। अपनी मांगों को लेकर वो उपायुक्त को ज्ञापन सौंप रहे हैं। वहीं आने वाली 24 तारीख को शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मुलाकात भी की जाएगी। आज हम मिड डे मील वर्कर यूनियन सब इकट्ठे होके ये लघु सचिवालय में इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि जब से हम स्कूलों में काम कर रहे हैं तो ये सरकार है ना, मिड डे मील की ओर बिल्कुल भी नहीं सोचती। काफी धरने प्रदर्शन लगाने के बाद 3500 से अगर हमने ये 7000 सरकार ने दिया भी है तो वो भी मतलब सही ढंग से नहीं दे रही। 6 महीने का मानदेय पीछे भी रुका हुआ था तो पूरा धरना प्रदर्शन लगाने के बाद वो पैसा मिला। अब फिर क्या है कि ये हमारा पैसा फिर अटका हुआ है। 2 महीने हो गए हैं, 5वां महीना और 6ठा जो ये खत्म होने वाला है, ये नहीं आ रहा पैसा। और ड्रेस जो है 2000। सोनीपत के गोहाना में सांसद रमेश कौशिक ने अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। विभाग की तरफ से सेंटर के जरिए क्षेत्र के लोगों को निशुल्क स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिल सकेंगी। कार्यक्रम के दौरान जिला स्वास्थ्य अधिकारी सहित स्वास्थ्य कर्मचारी मौजूद रहे। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीब लोगों के स्वास्थ्य के लिए कई ऐसे कदम उठा रही है जिससे गरीब लोग भी अच्छे अस्पतालों में अपना इलाज करवा पाए। एक गवर्नमेंट और एक जो फैसला है करवा दो यहाँ पर, इसे लोगों को 14 तरह के टेस्ट यहाँ पर होंगे और सारी सुविधाएँ जो भी वो मिलेंगी, दवाइयाँ मिलेंगी और दूसरी और लेडीज करेंगी और दूसरे टेस्ट भी थे, शुगर भी दिए हैं, सब टेस्ट यहाँ पर होंगे। और इससे इस इलाके में 15,000 के लगभग 16,000 की आबादी हुई है, 16,000 की आबादी में फायदा होगा और बड़ा अच्छा हो रहा है। वैसे तो गोहाना में हॉस्पिटल भी है और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी है, इससे भी लोगों को इस इलाके में फायदा होगा और इसीलिए सबकी हेल्थ ठीक रहेगी। सावन का महीना शुरू होने के साथ ही बड़ी ही आस्था के साथ भोले के भक्त कांवड़ लेने हरिद्वार गंगोत्री की ओर निकल पड़ते हैं। पलवल में पुलिस विभाग द्वारा बेहतर प्रबंध किए जाने के प्रयास किए गए, बावजूद इसके कांवड़िये पुलिस पलवल के इंतजाम को देखकर व्यथित होते दिखाई दिए। कांवड़ियों का कहना है कि जहां उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उन्हें पुलिस विभाग द्वारा सड़कों पर बेहतर सुविधाएं दी गई, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही, वहीं हरियाणा के पलवल में उन्हें सर्विस रोड से निकलने के लिए रास्ता दिया गया। हमने हरिद्वार हर की पैड़ी से उठाई है, कहां ले जाओगे? ये छाता मथुरा जिले में छाता तहसील गांव पैगाम में चढ़ाएंगे। कब आपने कावड़ उठाई थी और आज कहां पहुंचे हैं आप? हमने 3 तारीख के सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठाई थी। अब किस जगह आप? और हमें आप पलवल से 4 किलोमीटर पहले। तो आप उत्तराखंड से निकले हो, आपने कॉल किया है योगी आदित्यनाथ यूपी की, उत्तर प्रदेश की। किस तरह से पुलिस प्रशासन बहुत टाइट है, बहुत ग्रस्त है और मतलब बहुत अच्छी देखभाल कर रहा है। हरियाणा में आप आए? हरियाणा में अपन आए सीकरी के बाद में जो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है इसमें अपने को अभी हरियाणा में यही पढ़ा तो ये यहाँ पे भी ये सही कर रहे हैं। यहाँ की भी अच्छी PCR की गश्त तो नहीं है यहाँ पे, वहाँ पे यूपी में थी। हर चौक पे आपको पुलिस? हाँ, चौक पे पुलिस वाले मिले, हर चौक पे पुलिस वाले मिले और योगी आदित्यनाथ की बहुत अच्छी है। रेवाड़ी में दोस्त के द्वारा दोस्त की हत्या का मामला सामने आया है। बावल क्षेत्र के नैचाना रोड पर एक वेल्डिंग वर्कशॉप में युवक ने अपने साथी वेल्डर की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक मृतक के सर पर लोहे की रॉड से हमला कर हत्या की गई। मर्डर करने के बाद आरोपी वर्कशॉप में खड़ी मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों ही आरोपी और मृतक मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के रहने वाले हैं।
जी ये कैसे क्या हादसा हुआ, कौन व्यक्ति थे, कहाँ के रहने वाले थे? ये दो व्यक्ति थे जो यहाँ रहते थे, कंपनी में काम करते थे, हमारा कंपनी में काम चल रहा है। शॉप का क्या नाम था? सक्षम इंटरप्राइज। कितना समय से कहाँ ये करते थे? एक महीने से। तो इनमें कैसे झगड़ा हुआ? पता नहीं सर, 9:30 बजे हम यहाँ से निकल गए, उसके बाद में क्या हुआ ये हम नहीं पता। सुबह जब हमारा दूसरा कारीगर आया तब हमें खबर लगी ताला बंद है। क्या ड्रिंक करते थे? लग रहा है वहाँ बोतल पड़ी थी। तो उनमें झगड़ा होने से किस हथियार से मारा है? कह नहीं सकते, वैसे तो लोहे का ही कोई यूज किया हुआ है, 2-3 जगह लोहे का सरिया एंगल है उस पर ना। चेहरा तो बिल्कुल ख़त्म कर रखा उसके। हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद में किसने देखा और किसको सूचना, पुलिस को सूचना किसने दी? पुलिस को सूचना मेरे छोटे भाई ने दी। क्या नाम है सर उनका? महक कुमार। सत्य सटीक बेबाक।